इसके बाद नेक्स्ट क्लास किसकी है? तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? P is equal to ni square upon n, right? तो ये जो P की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, मान लो इसको इक्वेशन 2 दे दें और इसको इक्वेशन 1 ले लें, तो इस P की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ni square upon n plus nd is equal to n। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये एक टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जहां पे वेरिएबल जो है वो क्या है, n है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, n है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, n स्क्वायर माइनस n d n इज इक्वल टू माइनस n i स्क्वायर, या इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस n d n प्लस n i स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, राइट। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा n क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन n इज इक्वल टू आ जाएगा एन डी बाय टू प्लस माइनस अंडर रूट एन डी बाय टू का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर। ओके, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन नेगेटिव नहीं होना है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन n इज इक्वल टू एन डी बाई टू प्लस अंडर रूट एन डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर, ये रहेगा। और यहाँ पे जो होल का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, एन आई स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। तो जब सेकेंड केस की हम बात कर रहे होंगे, जब हम एन डी कंपेरेबल होगा एन आई से, तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे n की जगह पे, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल का कंसंट्रेशन हम ये यूज करेंगे। इन दोनों केसेस को याद रखेंगे, रीजन ये है कि कई जगह पे जब तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे तो वहां पे मे भी हो सकता है डिफाइंड हो, बट वहां पे तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि जो डोनर कंसंट्रेशन, जो डोपिंग कराई जा रही है उस डोपिंग का कंसंट्रेशन और जो सेमीकंडक्टर दिया गया है उसका इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, उन दोनों के बीच में कौन सा केस बन रहा है, मतलब केस वन बन रहा है, मीनिंग वहां पे जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो काफी हाई है, तो तुम डायरेक्टली डोपिंग कंसंट्रेशन को इक्वल टू ले सकते हो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की, किसी भी इक्वेशन में जो भी आपने अभी फर्मी लेवल और उन सब की इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे उसमें आप डायरेक्टली एन डी इज इक्वल टू एन पुट कर सकते हो, या एन इज इक्वल टू एन डी पुट कर सकते हो। बट इन केस अगर आपको ये दिख रहा है कि जो डोनर कंसंट्रेशन है वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के ऑलमोस्ट बराबर है, तो उस केस में आप डायरेक्टली एन इज इक्वल टू एन डी आप डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। वहां के केस में आपको क्या करना रहेगा, n इज इक्वल टू एन डी बाई टू प्लस अंडर रूट एन डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर पुट करना होगा, राइट। अगर इतनी चीजें क्लियर है तो नेक्स्ट हमें जो फाइंड आउट करना है, हमने ये तो देख लिया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट होता है, एक फर्मी लेवल होता है, ये सारी चीजें देखी हमने, ये देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल बेसिकली कहाँ कहाँ लाई करता है। अब हम बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो उस फर्मी एनर्जी लेवल को, एन टाइप में फर्मी एनर्जी लेवल की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, या जो उसकी एनर्जी है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम जो रेफरेंस लेंगे वो दो लेंगे। फर्स्ट कि हम विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड देखेंगे कि हमारा फर्मी लेवल कहाँ पे है। सेकंड हम ये देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल हमारा जो फर्मी लेवल है एन टाइप का वो कहाँ लाई कर रहा है। तो इन केस जब हम कंडक्शन बैंड के रेफरेंस में देख रहे हैं तो मीनिंग हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, ये हमारा ई वी है, ये हमारा ई सी है,
मीनिंग कंडक्शन बैंड की एच, और ये हमारी वैलेंस बैंड की एच। और अगर हम प्योर सेमी इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का जो इफेक्टिव मास है वो इक्वल है, तो यानी ई एफ आई जो इंट्रेंसिक फर्मी लेवल है वो इन बिटवीन ई सी और ई वी कहीं पे होगा, इन बिटवीन एकदम मिड में तुम्हारा लोकेटेड है। और ये बात हमें पता है कि एन टाइप का अगर हम फर्मी लेवल देखेंगे तो वो नियर टू कंडक्शन बैंड होगा। ये बात हम देख चुके हैं जब हमने इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था, तो वहां पे जब इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन हो रहा था इफेक्टिव मास ऑफ होल के, तो उस केस में जो हमारा इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर था वो एन टाइप बिहेवियर शो कर रहा था, मीनिंग वहां पे जो फर्मी लेवल था वो इंट्रेंसिक फर्मी लेवल से अबव लाई कर रहा था। तो हमने वहां पे ये बात डिस्कस की थी कि इन केस अगर इंट्रेंसिक जो तुम्हारा फर्मी लेवल है नॉर्मल फर्मी लेवल किसी भी सेमीकंडक्टर का, वो अगर कंडक्शन बैंड की ओर टेंड कर रहा है, मतलब टूवर्ड्स कंडक्शन बैंड टेंड कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी इंक्रीज होके, तो उस केस में जो सेमीकंडक्टर होगा वो कैसा होगा, एन टाइप होगा। या ये कहें कि उस केस में जो सेमीकंडक्टर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो एन टाइप का बिहेवियर ज्यादा शो कर रही होंगी, ठीक है। और यही अगर तुम्हारा फर्मी लेवल टूवर्ड्स वैलेंस बैंड मूव कर रहा होता या नियर बाई वैलेंस बैंड कहीं पे लाई कर रहा होता, तो मीनिंग तुम्हारा जो सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे, जब जो हमारा इंट्रेंसिक फर्मी लेवल है उससे जब हम इधर की ओर जा रहे हैं तो मीनिंग हम एन टाइप का बिहेवियर हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर हम उससे इधर की ओर हमारा फर्मी लेवल इंक्रीज कर रहा है या चेंज होके इधर नीचे की ओर आ रहा है, दैट मीन्स हमारा पी टाइप का बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ के केस में हमें ये तो क्लियर है कि जब एन टाइप का सेमीकंडक्टर, दैट मीन्स ये इंट्रेंसिक फर्मी लेवल से अबव कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लेकिन ये पता है कि इंट्रेंसिक फर्मी लेवल से अबव कहीं पे लाई करेगा, तो हमने अज्यूम किया कि ये ईएफ है। तो फर्स्ट थिंग, जब हम विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड बात करेंगे, फर्मी लेवल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड जब फाइंड आउट करेंगे, तो हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे होंगे, एनर्जी का ये डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे होंगे। और इनके जब सेकेंड केस में बात करेंगे कि फर्मी लेवल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इंट्रेंसिक फर्मी लेवल, तो हम ये वाली एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। हम फर्स्ट ये फाइंड आउट करेंगे एंड सेकेंड ये फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो अभी हम बात करते हैं कि फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड। फर्स्ट हम देखेंगे फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड। उसके लिए हमें क्या लेना है कि हमने जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड फाइंड आउट किया था, हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट किया था विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट किया था वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उनका कंसंट्रेशन क्या था, एन इज इक्वल टू एन सी ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन KT, right? अब हमें both side इस equation में, मान लो इसको equation one दे रहे हैं, इस equation में हम both side natural log ले रहे हैं, both side natural log ले रहे हैं, ठीक है। natural log लेने का basic reason है यहाँ पे exponential term की presence, हम इस exponential terms को हटा के ये जो EC माइनस EF है इसको हम आगे लेके आना चाह रहे हैं। हमें पता है कि log की प्रॉपर्टी होती है log m टू द पावर, अगर n है तो ये क्या हो जाएगा n, मतलब ऐसे log x टू द पावर y है तो ये क्या हो जाएगा y log x, राइट। हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके log की हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि ये EC माइनस EF हमारा आगे आ जाए। रीजन देखो, ये जो अगर एनर्जी डिफरेंस, इस एनर्जी डिफरेंस को देखोगे, इस एनर्जी डिफरेंस को अगर देख रहे होगे, तो ये बेसिकली क्या होगा EC माइनस EF। हम फर्मी लेवल की पोजीशन निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड, राइट। तो ln of n इज इक्वल टू ln of NC e टू द पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT, राइट। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, तो ln of n रहेगा, ठीक है। ये क्या हो गया ln of x मल्टीप्लाई बाय y,
ln ऑफ x इंटू वाई क्या हो जाएगा, ln ऑफ x प्लस ln ऑफ y. राइट, अब इस ln ऑफ nc को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ n माइनस ln ऑफ nc इज इक्वल टू log of e to the power minus ec minus ef. तो minus ec upon ec minus ef upon kt या क्या आ जाएगा, minus ec minus ef upon kt multiplied by ln of e. अब हमें पता है अगर e का exponential term का आप natural log लोगे तो ये basically क्या हो जाएगा, 1. Right? और नेक्स्ट अगर ln of x माइनस ln of y है तो वो क्या हो जाता है, ln of x upon y. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ln of n upon nc. ln of n upon nc. अब वो किसके बराबर हो जाएगा, minus ec minus ef upon kt. Next, हम ये जो negative sign है इसको हम इस side भेज रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, minus ln of n upon nc is equal to ec minus ef upon kt. Next, हमारे पास एक और property है, माइनस एल एन ऑफ एक्स अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन, दैट मीन्स एल एन ऑफ वन अपॉन एक्स. है ना, लॉग के हमारे पापा पूरी प्रूविंग में हमें केवल लॉग की प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है. राइट, केवल हमें लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करनी है. तो यहाँ पे क्या हुआ, एल एन ऑफ एन सी अपॉन एन इज इक्वल टू ई सी माइनस ई एफ अपॉन kt. यहां से हमें क्या मिलेगा, ec minus ef is equal to kt ln nc upon n. यहां तक में किसी को कोई डाउट? No, sir. यहाँ पे जो n है, अभी जो हम बात कर रहे थे different दो cases की, ठीक है, हमने बात की थी कि different question में हो सकता है n के different values लिखनी पड़े, तो यहाँ पे भी क्या होगा, case one आएगा, वो क्या कह रहा है कि n की value nd आप put कर सकते हो, कब, जब nd very very greater than ni है. That means, केस वन के में क्या हो जाएगा, EC minus EF is equal to KT ln NC upon ND. और केस टू की अगर हम बात करेंगे तो वहां जब ND comparable है NI से तो उस केस में क्या होगा, हम N is equal to क्या put कर सकते हैं, ND by 2 plus under root ND square by ND by 2 का whole square plus ni square. Okay. अगर इस ये दोनों केसेस हमें समझ में आ रहे हैं तो हमें यहाँ से तो कोई कंक्लूजन मिल रहा है. कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि ये जो फर्मी लेवल है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन पे. जो हमारा ये फर्मी लेवल है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन पे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि और फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है, इफेक्टिव मास में अगर चेंज होता है उस पर भी डिपेंडेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर अगर सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के लिए जो एज ऑफ कंडक्शन बैंड होगी ये कॉन्स्टेंट होगी, चेंज नहीं होगा उसमें.
ठीक है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर में चेंज नहीं लाएंगे, तो ये पार्ट भी कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस जो हमारा फर्मी लेवल है एन टाइप सेमीकंडक्टर का, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के कंसेंट्रेशन पे, फ्री जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन है उस पर डिपेंड कर रहा है, राइट। और अगर केस वन की बात करें तो वहां से हमें दिख रहा है कि एन जो है वो एन डी पे डिपेंडेंट है, डोपिंग कंसेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। केस टू में भी हमें दिख रहा है कि एन जो है वो एन डी पर डिपेंडेंट है, मीनिंग डोपिंग जो हम करा रहे हैं उस पे डायरेक्टली तुम्हारा फर्मी लेवल डायरेक्टली उससे रिलेटेड है ना। मीनिंग अगर हम डोपिंग कंसेंट्रेशन चेंज करेंगे तो फर्मी लेवल में चेंज आएंगे, ठीक है। अब वो चेंज कैसे आएंगे? Let's see. देखो, जब हमने कहा कि N या ND जो डोपिंग कंसेंट्रेशन है, अगर हम डोपिंग कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, डोपिंग कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, मीनिंग क्या कर रहे हैं हम? नंबर ऑफ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है ना, जो हमारा फास्फोरस है हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। डोपिंग कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं मतलब हम फास्फोरस इंक्रीज कर रहे हैं, मीनिंग अगर प्रॉपर आयोनाइजेशन होता रहे तो डोपिंग कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने का मीनिंग है कि फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। अगर प्रॉपर आयोनाइजेशन, फुल आयोनाइजेशन हो रहा है, फुल आयोनाइजेशन अगर हो रहा है, तो उस केस में क्या है, डोपिंग कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। मीनिंग अगर एन टाइप को देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कहोगे तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये बेसिकली क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। अब देखा जाए तो हो क्या रहा है, जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर एन टाइप में इंक्रीज कर रहे हैं, मीनिंग आपका जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसका जो एन टाइप का बिहेवियर है, ठीक है, जो एन टाइप का बिहेवियर है वो बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। और जब हमने बात की अगर सेमीकंडक्टर में एन टाइप बिहेवियर में इंक्रीमेंट आ रहा है, एन टाइप का बिहेवियर इंक्रीज